जौनपुर मिड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के चोरारी डीहा गांव में शादीशुदा प्रेमिका बगल के पड़ोसी देवर के साथ एक साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। इसके बाद शादीशुदा प्रेमिका और पड़ोसी देवर ने एक साथ रहने के लिए खा ली जान जीने मरने की कस्में। इसके बाद एक दिन रात को प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका को लेकर हुआ फरार। इसके बाद पड़ोसी देवर ने अपने शादीशुदा भौजाई के साथ मैहर मंदिर में सिंदूर दान करते सात फेरे लेकर एक दूसरे से वादा किया और दूसरे के साथ जीवन बिताने की कस्में खा ली। लेकिन शादीशुदा प्रेमिका के पिता ने मिड़ियाहू कोतवाली में तहरीर देकर अपने दामाद के ऊपर लगाया हत्या का आरोप। इस घटना की तहरीर मिलते ही मिड़ियाहू कोतवाली पुलिस सक्रियता देखते हुए हेड कांस्टेबल सूरज सोनकर ने अपने परिश्रम से इन दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं को खोज निकाला। पुलिस ने जब बारीकी से इन दोनों से पूछताछ की तो प्रेमिका ने बताया कि मैं अपने प्रेमी के बच्चे की माँ बनने जा रही हूँ। इस वक्त मेरे गर्भ में 3 माह का गर्भ ठहरा हुआ है। प्रेमी और प्रेमिका ने कहा कि हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, जीवन बिताना चाहते हैं। इस बात को लेकर मिड़ियाहू कोतवाली के कोतवाल सुधीर कुमार गुप्ता ने दोनों के रजामंदी के साथ मंदिर में शादी करा दी। इस पर कार्य से मिड़ियाहू कोतवाली पुलिस की क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है। जौनपुर मिड़ियाहू संवाददाता शादाब अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है? अमित पाल। कौन सा गाँव है? ये जो शादी कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो? हाँ बोलिए जोर से। क्या नाम है तुम्हारा? अनीता पाल। ये शादी जो हो रही है तुम दोनों से के मर्जी से हो रही है? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? कौन सा गांव है? धर्मापुर। धर्मापुर कहाँ पड़ता है? जौनपुर। जौनपुर में। तुम्हारे पिता क्या नाम है? तुम्हारे पिताजी क्या नाम है? महेंद्र पाल। इस समय शादी ये कहाँ हो रही जो कर रहे हो आप? थाना। कौन सा थाना है? मिड़ियाहू। तुम बताओ। मिड़ियाहू थाना में।